हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप दोस्तों कि आप अच्छे हो और सब कुछ बढ़िया कर पा रहे होंगे। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम लोग बनाने वाले हैं टेस्टीज का डायग्राम। जी हाँ दोस्तों, और मैं यहाँ पर आपको डिटेल में सिखाने वाला, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना और अच्छे से सीखना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और रेडियस लेकर सिंपली यहाँ पे दो आर्क ड्रॉ करेंगे, एक ऊपर की ओर और दूसरा नीचे की ओर, जैसा कि आप देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम लोग अपने कंपास को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे और 3 नीचे और बना लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। इस तरह से बनाने के बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे इस वाले लाइन को इस तरह से बनाते हुए यहाँ पे मिला देंगे। मिलाने के बाद आगे वाले पोर्शन को हम लोग इस तरह से फोल्ड कर यहाँ तक छोड़ देंगे। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा फोल्ड करना है इस तरह से, एंड देन आफ्टर अब हम लोग यहाँ पे फोल्ड करते हुए नीचे की ओर लाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग नीचे की ओर लाते हुए इसे यहाँ पे मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों अब हम लोगों को यहाँ पे इस वाले लाइन को नीचे की ओर लाना है, और यहाँ पे मिलाते हुए दोस्तों हम लोगों को इसे इस तरह से बनाना है। देन इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद गाइस हम लोग नीचे की ओर यहाँ पे इसे मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों इस वाले लाइन को हम लोग ऊपर की ओर यहाँ पे मिलाते हुए और एक नीचे की ओर बनाएंगे, और इस वाले लाइन को हम लोग ऊपर की ओर लेते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से आपको बनाना है। ऊपर की ओर ले जाते हुए आपको यहाँ पे एक छोटा सा लंबा सा फोल्ड करके दिखाना, ऐसा। इसके बाद दोस्तों अगेन हम लोग इसे फोल्ड करेंगे और नीचे की ओर लाएंगे और यहाँ पे इसे ले जाकर मिला देंगे। जी हाँ दोस्तों, मिलाने के बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पे वी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इस तरह से आपको वी बनाते जाना है, और अल्फाबेट भी बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे इसी से बनाने वाले हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो इस तरह से अब हम लोग इसे बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के साथ साथ इतना दूर तक बनाते हुए हम लोग अगेन नीचे की ओर मिला देंगे। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैं इसके सीध में बना रहा हूँ, और इसके बराबर में ले जाकर यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके फिर से इसे मिला रहा हूँ। तो आप भी इस तरह से बना रहे हो दोस्तों, और आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो, और इसे बनाने के बाद मेरे को ज़रूर से ज़रूर मेरे इंस्टा में सेंड कर देना। तो ये हमारा अब कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें जो भी स्ट्रक्चर बचा हुआ उसे कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से स्टार्ट करो और मेरे साथ इसे कंप्लीट करो। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ साथ में दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ऐसा ढेर सारे डायग्राम मैंने अपने चैनल में बनाकर अपलोड कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो रियली में अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर से जरूर चेकआउट करना। अब यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं दोस्तों हेड ऑफ एपिडेमिस। जी हाँ दोस्तों, इसे बनाने के लिए सिंपली हम लोग एक इस तरह से फोल्ड करके नीचे की ओर लाएंगे, और यहाँ पे टेल ऑफ एपिडेमिस भी बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ और सिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसे बना सकते हो। इस तरह से हम लोग इसे फोल्ड करके नीचे की ओर लाएंगे और यहाँ पे ऊपर की ओर लेते जाएंगे दोस्तों, एंड देन आफ्टर ये हमारा आधा कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे इसे नीचे की ओर लाएंगे, एंड यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग थोड़ा सा इसे नैरो करते जाएंगे इस तरह से। इसके बाद हम लोग यहाँ पे छोटा छोटा फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर सेम इसी तरह से बनाकर लेते जाएंगे। तो ये कितना आसान है आप देख ही सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपली सीखना है कि किस किस स्किल को और किस किस ट्रिक को आपको याद रखना, वो आपको जानना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप कंपास से इसे बना सकते हो, तो आप भी इसे इस तरह से बनाकर एक दो बार ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करो, ताकि आप इसे अच्छे से एग्ज़ाम में बना सको। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसे प्रैक्टिस नहीं करते तो आप स्टेप तो याद रखोगे लेकिन प्रोसेस भूल जाओगे कि किस तरह से कहाँ पर बनाना और किस तरह से समय को बचाना है। तो अगर आप चाहते हो कि समय बचाओ तो इसे प्रैक्टिस करके ही जाओ, ओके। और मुझे कमेंट करके नीचे से जल्दी बताओ कि आप जब इसे प्रैक्टिस कर लिए एक दो बार, इसके बाद आपका कितना टाइमिंग लग रहा है इसे बनाने में। जी हाँ दोस्तों, इससे मुझे पता चल सकेगा कि मुझे कोई नया स्टेप भी ढूंढना है क्या। तो इस तरह से दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आपके दोस्तों लोगों को भी अच्छे मार्क्स मिले, भले आप ना चाहो चलेगा, लेकिन मेरे लिए इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फेवरेट दोस्त को। सबको मैं शेयर करो, फेवरेट दोस्त को तो कर दो भाई। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये नालियाँ जो हम लोग अभी यहाँ पे बना रहे हैं इसे एफरेंट डक्टल्स बोला जाता है। तो हम लोगों को सिंपली इस तरह से दोनों को बनाना है और यहाँ पे इसे ऊपर की ओर लेते जाना है। जी हाँ दोस्तों, और इसके बीच में और एक आएगा, उसे हम लोग रेड से बनाएंगे, मतलब उसे हम लोग थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ओके, और उसे बनाकर लेवल कर देंगे, जिसका नाम होगा टेस्टिकुलर आर्टरी। तो इसे भी अच्छे से देखना दोस्तों, और मेरे साथ आप इसे स्टेप बाय स्टेप बनाना। तो जिस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, ऐसा ही हम लोगों को ऊपर की ओर बनाना है। उसके बाद हम लोग दोस्तों यहाँ पे करेंगे लेबलिंग। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखना और अच्छे से सीखना
क्योंकि लेबलिंग वाले पार्ट में मैं आपसे नाम पूछने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नाम आता है तो आपका रिविज़न हो जाएगा, और नहीं आता तो आप मेरे बोलने के बाद बोल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं यहाँ पे लेबलिंग वाले पार्ट में। तब तक आप इसे देखते रहो, सीखते रहो और मेरे साथ इसे बनाते रहो और बनाकर लेबलिंग कर रहे। और अगर आप दोस्तों जानना चाहते हो कि मैं कौन सा पेंसिल यूज़ करता हूँ, तो जल्दी से चेकआउट करो डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पर ढेर सारे वीडियोज़ के लिंक डाल दिए हैं, साथ साथ में पेंसिल का भी लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। साथ साथ में मैं और क्या यूज़ करता हूँ इस वीडियो में, मैंने क्या क्या यूज़ किया, वो भी मैं आपको डिटेल नीचे दे दूँगा। तो अगर आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि रेड कलर का जो टेस्टिकुलर आर्टरी होता है उसे हम लोग डार्क करके बनाएंगे। तो चलिए अब उसका टाइम आ चुका है, यहाँ पे हम लोग इसे थोड़ा सा इस तरह से डार्क करते हुए बनाकर दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसे हम लोग डार्क करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं लेबलिंग। तो लेबलिंग वाले पार्ट में मैं दोस्तों आपसे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नाम पूछने वाला हूँ, तो आप तैयार हो जाइए। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बोल सकते हो। सो लेट्स बिगिन दिस गेम। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इसके बीच में आपको छोटा छोटा लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एरोज भी कर लेंगे, जैसे कि आपको ये दिख रहा है। एंड देन आफ्टर दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे लेबलिंग करेंगे। तो लेट मी नो फर्स्ट वन नेम, सो दिस वन इज हेड ऑफ एपिडेमिस। एंड देन आफ्टर दोस्तों, इसके नीचे क्या होगा, सो दिस वन इज एफरेंट डक्टाइल्स। एंड देन आफ्टर दोस्तों, इसके नीचे बॉडी ऑफ एपिडेमिस। एंड जस्ट इसके नीचे क्या होगा, सो दिस वन इज एपिडेमिस। अब बताओ दोस्तों इसके नीचे क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी, सो दिस वन इज टेस्टिकुलर आर्टरी। देन आफ्टर दोस्तों, लेट मी नो व्हाट नेक्स्ट, सो दिस वन इज टेस्टिकुलर वेन। एंड देन आफ्टर दोस्तों, इसके नीचे क्या होगा, जल्दी से बताओ, सो दिस वन इज पार्शियल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनल टेस्टिस। एंड देन आफ्टर दोस्तों, इसके नीचे, सो दिस वन इज डिस्कस डिफेंस। एंड देन आफ्टर दोस्तों, जल्दी से बताओ इसके नीचे क्या होगा, सो दिस वन इज ट्यूनिका एल्बुग्निया ऑफ टेस्टिस। एंड देन आफ्टर दोस्तों, नीचे, सो दिस वन इज टेल ऑफ एपिडेमिस। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ जाएंगे उधर, और दिस वन इज कैविटी ऑफ ट्यूनिका वेजाइनल। एंड देन आफ्टर दोस्तों, नीचे, सो दिस वन इज सेमी फेरियस ट्यूब्यूल्स। एंड देन आफ्टर दोस्तों, इसके नीचे, सो दिस वन इज रेट ऑफ टेस्टिस। अब दोस्तों हम लोगों को पाइप वाले स्ट्रक्चर को भी लेबल करना है, तो यहाँ पे इसका नाम है स्ट्रेट सेमी फेरियस ट्यूब्यूल। देन आफ्टर दोस्तों, सपाटा टेस्टिस। अब इसके बाद दोस्तों लास्ट वन बताओ और उसे फिनिश करो, सो दिस वन इज ट्यूनिका वेजाइनल्स। सो नाउ इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है दोस्तों, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो अ लॉट, देन प्लीज give a like and share this video। आई होप दोस्तों जो टेक्निक मैंने आपको यहाँ पे दिखाया और सिखाया, इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। देन जल्दी से जल्दी अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी अच्छे एग्जाम में मार्क्स आ सके। और कमेंट करके मुझे नीचे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हो। और अगर आप चाहते हो जल्दी से जल्दी हम लोग 500,000 फैमिली अचीव करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को जरूर से जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आपको ऐसा ही ढेर सारे वीडियोस मैं देते रहूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहे हमारे वीडियोस को और सीखते रहे। गुड लक, हैव अ ग्रेट डे, बाय।